Hello friends, I'm Dr. Sumita Mishra. I'm an IAS officer of the 1990 batch and I'm currently working in the government of Haryana as additional chief secretary, medical education and research and women and child development. Today I'm going to be talking to you about work-life balance. Now, work-life balance is something we hear a lot about, but it's actually easier said than achieved, especially if you are in a high pressure, high profile job like the IAS or the IPS. It's something that you have to consciously work towards. अपने आप आपके कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने वाली है. 24 घंटे भी कम लगेंगे. आप सो रहे होंगे तो फोन आ रहे होंगे. आपको चाहे वॉक हो या पूजा हो या अपने बच्चों के साथ टाइम हो या अपनी पर्सनल कोई इंटरेस्ट हो, हर चीज़ के बीच में कॉन्स्टेंट इंटरप्शन और वर्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है आते रहेंगे. नाउ व्हेन सो मच ऑफ योर लाइफ इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट कैन बिकम रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज योर माइंड इज फुल ऑफ ऑल दीज साउंड्स, पिंग्स, मैसेजेस, फोन्स, टू डू लिस्ट, नॉट डन लिस्ट, चीजें दैट गवर्नमेंट और समबडी वॉन्ट्स डन एज ऑफ यस्टरडे. आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स दैट हैव जो मेरे अनुभव में जो मेरे साथ कुछ हैव हेल्प मी इज खैर हर एक का अपना शेड्यूल होता है, बट आई ट्राई सिंस देर इज सो मच ऑफ वर्क दैट इज फॉलोइंग मी होम वेदर आई लाइक इट और नॉट, आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग एनी वर्क होम. बाई एनी वर्क होम आई मीन आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग और टेक एनी फाइल्स होम. जब इमरजेंसीज होती हैं, लास्ट मिनट फाइल्स एंड कैबिनेट नोट्स वगैरह आते, दैट अ पार्ट, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो फाइलों के बस्ते भर के घर ना ले जाऊँ, चाहे मुझे ऑफिस में एक घंटा फालतू लगाना पड़े. व्हेन आई गो होम माय टाइम इज देन फॉर माय फैमिली एंड मी. सेकेंडली ऑफ कोर्स अ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क लाइफ बैलेंस में आप जितना मर्जी काम कर लें और काम दिल से और पूरे जी जान से करना भी चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके अपनी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या पार्टनर, आपके बच्चे, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स, भाई बहन, यही आपके आपको सुनने और समझने और प्यार देने वाले हैं. तो उनके लिए थोड़ा टाइम और उनके लिए जितना टाइम आप निकाल सकते हैं बहुत ज़रूरी है. And one of the great ways to do that is to plan holidays. ये कहना कि I never have the time, आप plan नहीं करोगे तो you will never have the time. If you block and plan and book a holiday in advance, get your leave sanctioned, then the government knows कि हाँ इन 10 दिनों में आप यहाँ नहीं होंगे. हर एक department या post का link officer होता है, काम चल जाता है. And by making that advance booking, by putting in money, you ensure that you actually go. और वो जो time है आपकी family के साथ वो सबसे priceless है, वो सबसे कीमती time है. वही आपकी family और आपके बच्चों की memories हैं जो उनके साथ ज़िंदगी भर चलेंगी, जो आपके साथ आपकी old age तक रहेंगी, वो memories, वो moments. Third thing I would say is that have a personal passion, something that excites you. Something that you know, जिसमें आपको आनंद मिलता है, जो आपको रिचार्ज करता है. कुछ लोग मिडिल एज में रनिंग शुरू करते हैं, इट्स ग्रेट, फिटनेस भी है और आपका पर्सनल टाइम भी है. कुछ लोग अदर फॉर्म्स ऑफ योगा या मेडिटेशन या गोल्फ या टेनिस या बैडमिंटन, एनी थिंग. सो आई मीन वन अ पैशन दैट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड टू and some other personal passion, chahe wo reading ho, chahe wo painting ho, chahe photography ho, chahe samaj seva ho, chahe gareeb bachchon ko thoda time donate karna ho every week. Mere liye it is poetry. I always, even at the expense of sleep, der raat mein jab sari duniya shant hoti hai, jab wo lagta hai ki ye samay, ye waqt sirf mera hai, main likhna pasand karti hu. और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आई राइट पोइट्री. आई हैव 5 बुक्स पब्लिश्ड. सो बट दैट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ रिन्यूअल, ऑफ रीचार्जिंग, ऑफ रिजुविनेशन, जो काम के स्ट्रेसेस के बीच में भी देन
यू फील कि कुछ आपका अपना हिस्सा है, ये पूरी ज़िंदगी एक तरह से काम में तितर बितर नहीं हो गई है. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स लास्टली आई वुड से इफ़ यू हैव अ पेट, कीपिंग अ पेट इज़ अ ग्रेट वे, जो बहुत थोड़े से टाइम में आप रिचार्ज हो सकते हो. अगर आप अपने डॉग के साथ 5-10 मिनट भी खेलते हो सुबह शाम, वो अपने आप में इतना प्यार देते हैं दैट यू फील कि दुनिया में सब ठीक है. सो अ पेट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट वे. सो आई होप यू विल कीप सम ऑफ दीज टिप्स इन माइंड फ्रेंड्स एंड मे बी यूज सम ऑफ देम. थैंक यू. Thank you.